खोपड़ी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। खोपड़ी कहीं गई? एक रूम ही ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खोपड़ी नाम है मेरा खबर सबकी रखती हूँ। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बॉलीवुड की चटपटी मसालेदार सी खबरों में आपका स्वागत है। तो देर किस बात की, चलिए बिना समय गवाए आपको लेकर चलते हैं फिल्मों के सुहाने से सफर की ओर। फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं नहीं मिलने पर निराश हुए राजेंद्र गुप्ता। कहा, मेरे जैसे सीनियर्स एक्टर्स में नहीं थी प्रोड्यूसर्स मेकर्स और चैनल की कोई दिलचस्पी। जी हाँ, वरिष्ठ अभिनेता राजेंद्र गुप्ता लगभग 40 साल से शोबिज में काम कर रहे हैं। 74 वर्षीय का कहना है कि उन्होंने देर से शुरुआत की। हालांकि वह उन दुर्लभ वरिष्ठ अभिनेताओं में से एक है जो अभी भी रेलेवेंट है। इसके अलावा उन्हें वर्तमान में जगन्नाथ और कई अनोखी प्राइमरी कैरेक्टर के रूप में देखा जाता है। बता दें कि हाल ही में हुई एक बातचीत में उन्होंने खुलकर बात की और कहा कि मुझे लगता है कि इंडस्ट्री अब बेहतरी के लिए बदल रही है। साथ ही राजेंद्र गुप्ता टीवी पर उस फेज को याद करते हैं जब प्राइवेट नेटवर्क शुरू हुए थे। उन्होंने कहा, बहुत कुछ बदल गया, वो देख के थोड़ा बुरा लगता है, ये कहाँ से कहाँ आ गए हम। शुरू में जब ये प्राइवेट चैनल शुरू हुए तो मैं मिसफिट था। साथ ही अभिनेता को याद है कि कैसे नेटवर्क को अधिक मात्रा में लाभ से प्रेरित बनाया गया है। उन्होंने कहा, निर्माता और चैनल मेरे जैसे वरिष्ठ अभिनेताओं में रुचि नहीं रखते थे। सिनेमा एक ऐसी जगह है जहां आप हमेशा एक नए चेहरे की तलाश में रहते हैं, वे फ्रेश फेसेस की और ज्यादा आकर्षित होते हैं। साथ ही मैंने आर्थिक रूप से समझौता नहीं किया। मेरी छवि किसी ऐसे व्यक्ति की नहीं थी जो आसानी से समझौता कर ले। वे मुझे फोन नहीं करते थे, खासकर मेरी कीमत सुनकर। मुझे बुरा लगता था, लेकिन किसे शिकायत करूं? साथ ही उन्हें लगता है कि इससे उनके और निर्माताओं के बीच एक अलगाव हुआ। हालांकि वह अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ सके। जब काम की बात आती है तो मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, अन्यथा मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। जब कोई मेरा शोषण करता है तो मुझे दुख होता है। मैंने कभी किसी काम के लिए नहीं पूछा या फोन नहीं किया। मेरा काम देखकर लोगों ने मुझसे संपर्क किया है। साथ ही उन्होंने अपने द्वारा किए गए सभी टीवी शो में केंद्रीय भूमिकाएं नहीं निभाई हैं। इस बारे में उन्होंने कहा कि सिनेमा में शिविर थे और मैं कभी किसी शिविर का हिस्सा नहीं था। यह मेरा व्यक्तित्व नहीं है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सका। हाँ, थोड़ा सा मलाल है, मुझे फिल्मों में कभी प्रमुख भूमिकाएं नहीं मिली। फिल्म वाले ने मुझे केवल कैमियो के लिए बुलाया, वो बात और देर से चुभती है। इच्छा कब कम होती है, लेकिन अब मैं खुद को परेशान नहीं कर सकता। आप दुनिया को नहीं बदल सकते। खैर, आज की खबर में तो बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जरूर बने रहिएगा OTT इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।